नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है न्यूटन मेथड का, ठीक है ना। तो न्यूटन मेथड को आप यूज़ करके अगर आपने क्यों आपके पास कोई फंक्शन है तो उसका आपने सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप वहाँ पे न्यूटन मेथड यूज़ कर लेंगे। बाद दफ़ा इस न्यूटन मेथड के लिए आपको कोई सब इंटरवल, कोई इंटरवल आपको गिवन किया होता है, बाद दफ़ा आपको एक इंटरवल गिवन नहीं होता तो आप उसको गिवन कर लेते हैं। मीन्स कि आप कोई भी दो डिफरेंट वैल्यूज उठा लेते हैं, अगर उन कोई सब इंटरवल के दो एंड पॉइंट देखते हैं तो दोनों के अगर साइन डिफरेंट आ रहे होते हैं तो आप समझ जाते हैं कि एक साइड लेफ्ट एंड आपने अगर पुट किया है तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिले, नेगेटिव एंड पुट किया तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिले। तो मीन्स कि जब इस तरह का फंक्शन का आ जाए तो उसी इंटरवल में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जो कि इस फंक्शन का सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रिव्यू में बता दिया है, ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हैं इसमें न्यूटन रैफसन मेथड, उसको न्यूटन मेथड को न्यूटन रैफसन मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी उसने बताई हुई है जो कि मैंने आपको आसान अल्फाज में बता दिया है कि आपका मेन काम होता है, बाद दफ़ा आपको सब इंटरवल कोई गिवन किया हुआ होता है तो आपके लिए आसानी है, तो उसको आप मज़ीद उस सब इंटरवल को, उस इंटरवल को मज़ीद छोटा करना चाहते हैं तो उसके दो नज़दीक कोई भी लेफ़्ट और राइट साइड दो डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं कि अगर दोनों के साइन क्या है डिफरेंट आ रहे हैं तो आप उसकी लेंथ को मज़ीद कम कर सकते हैं और उससे आप इंसानी के लिए कर सकते हैं। अब न्यूटन मेथड का जो है उसने प्रोसीजर वगैरह भी ये बताया हुआ है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इसका ये फार्मूला ये है तो मैं इस न्यूटन मेथड को आपको थोड़ी सा इसकी डिटेल बताता हूँ। वो कह रहा है गैस द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट टू अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अ ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स मे हेल्प। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि आप गैस कर लें, अगर आपके पास इंटरवल नहीं है तो आप इंटरवल को गैस करेंगे। तो कोई भी आप मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स है तो उस सूरत में आपको ऐसा इंटरवल इंक्रीज आपने क्या किया माइनस वन से प्लस वन का कर लिया, आप क्लोज इंटरवल आपने फाइंड आउट कर लिया। तो देखिएगा कि इसमें दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी, जब आप माइनस वन पुट करते हैं तो आपके पास एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू प्लस वन आ जाएगा, जब आप एक्स इज इक्वल टू वन पुट करें तो आपके पास एफ ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। मीन्स कि आपको दो डिफरेंट वैल्यू मिले, मीन्स कि ये ऐसा सब इंटरवल है या इंटरवल है जिसमें सोल्यूशन यकीनी बात है कि एग्जिस्ट करेगा। जब आपके पास फंक्शन के दो डिफरेंट वैल्यूज़ पर दो डिफरेंट इनपुट्स पे दो डिफरेंट साइन वाले आउटपुट्स आपको मिलेंगी तो उस सूरत में समझ लीजिएगा आप मज़ीद इसको आप ग्राफ इंटरवल को छोटा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया था, क्लोज इंटरवल लिया था माइनस वन टू वन लिया था, अब आपकी मर्ज़ी है आप माइनस वन बाई टू क्लोज इंटरवल टू प्लस वन बाई टू वाला ले लें तो ये सूरत में ये आपके पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे तो यकीनी तौर पर आपका सोल्यूशन यही होगा एक्स इजिकल टू ज़ीरो वाला, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिनको हम जज कर सकते हैं। तो ये उसमें वो बता रहा है एंड यूज़ द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू गेट अ सेकेंड। तो इसमें यह होता है कि आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो फाइंड आउट की हुई है उसको यूज़ करके सेकंड अप्रोक्सीमेशन लेंगे जो आपको ग्राफ को मज़ीद नज़दीक से नज़दीक तर लेकर जाएगी, ठीक है ना। तो आप उसको यूज़ करेंगे, अब वो उस जैसे आप यूज़ करते जाएंगे तो आपको आप सोल्यूशन के नज़दीक बार बार यूज़ करने से आप सोल्यूशन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है सिस्टम है तो आप इसको यूज़ करेंगे तो ये न्यूटन रैफसन मेथड या न्यूटन मेथड्स आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो आप नेक्स्ट में बता रहे कि एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइंग द न्यूटन मेथड कह रहे हैं तो आप इसको देख लें। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन मेथड ग्रेजुअली इन्वॉल्व मैनी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस, मेकिंग देम विल सूटेबल फॉर कंप्यूटर और कैलकुलेटर्स, नेवरथलेस इवन व्हेन द कैलकुलेशन आर डन बाय हैंड दे गेव अ पावरफुल वे टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इन आवर फर्स्ट एग्जाम्पल वी फाइंड डेसिमल अप्रोक्सीमेशन टू अंडर रूट बाय एस्टिमेटिंग द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो अब आपके पास ये फंक्शन है तो आप इसका आपने क्या करना है सोल्यूशन फाइंड आउट करना है।
तो ये देखिए आपके पास ये इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन आपके पास इक्वेशन है f(x) (x²-2)। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा इसका आपके पास। आपके आपको इक्वेशन का पता है कि एक्स सबस्क्रिप्ट एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स सबस्क्रिप्ट एन माइनस एक्स सबस्क्रिप्ट एन पावर टू एक्स पावर टू, तो माइनस टू ओवर टू एफ एक्स। मीन्स कि आपके पास जनरल आपके पास एफ ऑफ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स एन प्रीवियस जो उसकी करंट एक्स की अप्रोक्सीमेशन होगी वो माइनस फंक्शन ओवर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ जाएगा। जिसको आप यूज़ करके आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। जब आपने क्या किया, इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या पुट किया, वन किया, तो आपको पास ये जो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इस तरह आप इसमें से जो है ना फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये इस तरह का है, तो ये अक्सर इसमें से वो आर्डर पूछ लेता है कि ये वैसे न्यूटन मेथड का कन्वर्जिंग आर्डर क्या है, ठीक है ना। तो इसका कन्वर्जन आर्डर वन ही है, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। नीचे जो है ना इसकी थोड़ी सिंपल सी वो टेक्निक्स वगैरह बताई हुई हैं, ठीक है ना। व्हेन यूज में कन्वर्ज टू अ रूट इट मे नॉट हैव रूट इन माइंड फिगर। ये उसने थोड़ी बहुत उसने फिगर ये इफ़ यू स्टार्ट टू वेर टू अवे न्यूटन मेथड मे मिस द रूट यू वांट। वो कह रहे कि अगर आप कोई इस तरह का सब इंटरवल ले रहे हैं, उन्होंने आपको क्रिटेरिया बता दिया ना, आपने वो सब वो इंटरवल लेना है जिसके एक एंड पॉइंट पर अगर आपको पॉजिटिव साइन मिला है तो दूसरे एंड पॉइंट पर आपको नेगेटिव मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो वो वाला आपने कोशिश करनी है उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह का बिहेवियर है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट ये पॉइंट्स हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना काफ़ी है उसमें आपको। तो नेक्स्ट टाइम इसको जो है ना फिर इसका 4.7 फिर स्टार्ट करेंगे।